और बाड़मेर के आप सीमा सुरक्षा बल के समस्त प्रहरियों को, मुझ ध्यानयोगी लक्ष्मण राम चौधरी सेवानिवृत्त व्याख्याता की तरफ से नमस्कार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि और उसका अंतिम लक्ष्य समाधि है। यम से शुरू होता है सत्य अहिंसा और आसनों का अपना सिस्टम है। कुछ आसन किसी को सूट नहीं करे तो वो नहीं करने, ये सारी चीजें देख करके फिर करना पड़ता है। इसलिए प्राणायाम कितने तरह के होते हैं वो भी मैं सिंपली आपको बता दूंगा। प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है अपने इंद्रियों को उसके बाद में आप जैसे हाथों का संतुलन ठीक करने के लिए हाथों को चारों तरफ से घुमाओ, इसके बाद में आगे की तरफ झुको और आगे की तरफ कितना झुक सकते हो, घुटने मोड़ने नहीं है, बिल्कुल सिंपल झुको, धीरे धीरे झुकते जाओ। कमर दर्द वाले बहुत धीरे सावधानी से झुको और ये करोगे तो धीरे धीरे सेट हो जाएगा, बॉडी की सब बीमारियां मिटी जाएगी अपने आप ही। ये आगे झुको, आते हाथ आगे मत करो, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे वो गड़बड़ है, ऐसे करो पीछे रखो हाथ और पूरा पहुंचाओ। कहां तक पहुंचा प्राणायाम बोलते थे, करने पड़ते हैं तो ये पीछे झुके, आगे झुके, पीछे झुके, अब बाई तरफ झुको, बाई तरफ झुको तो कितनी तक हाथ पहुंचता है, कितनी तक हाथ पहुंचता है ये ट्राई करते जाओ। तो खड़े होकर के एक आसन मैंने जो मेरे इसमें खोज कर रहा हूं बराबर, तो खड़े होकर कौन से आसन कर सकते हैं, बैठ करके कौन से कर सकते हैं, इसके बाद में आत्मिक ध्यान। अब ये खड़े होने वाले, अब आप करो सो करके आसन करो, सो जाओ पूरे अपनी जगह जहां भी हो फिर से सो जाओ। ये आधा पंजा पैर मिला करके, एडी और पंजा मिला लो, दोनों पैर ऊपर उठाओ, कम से कम 6 इंच जमीन से ऊपर होना चाहिए फुट, 1 फीट और तो बढ़िया, 1 फीट और 6 इंच के बीच में, ज्यादा होगा तो लाभ नहीं मिलेगा, 6 इंच ही रखो। और आप दोनों ऐसे जमीन के सटा करके रखो, 6 इंच तक रखो, गर्दन बराबर जमीन के भिड़ाओ और पैर 6 इंच ऊंचे रखो, 5-7 मिनट, 5 मिनट। अभी आप सिर्फ 4-5 मिनट करोगे, 5 मिनट मुश्किल होगा आपको। ये सर्वांगासन, इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी ठीक होती है, चेहरा चमक, चेहरे में तेज और चमक आती है, झुर्रिया है ये ठीक होती है। कि मेरा 15 दिन में पेट कम कैसे हो गया, ये 15 दिन आप इसको रेगुलर करो, जिनके पेट बड़े हैं उनके पेट और फैटीनेस ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये आसन बहुत थोड़ा हार्ड है और माताओं को बहनों को ये आसन बिल्कुल सही, बिल्कुल। बैठने वालों में आप करो सबसे बढ़िया आसन है वज्रासन, घुटनों पर बैठ जाओ और घुटनों पर बैठ करके पूरा कमर सीधी और शरीर गर्दन को पूरे खींचो ऊपर। अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, तो ये इस अच्छा, इसके बाद में आप इस हाथों को पीछे ले जाइए, एड़ियों को पकड़िए, हाथों को पीछे ले जाके एड़ियों को पकड़िए, इसका नाम है उष्ट्रासन, ऊंट की तरह ये उष्ट्रासन नाम है इसका, एड़ी को पकड़ो ठीक है। इसके बाद में इसके ऊपर दबाव देके बैठ जाओ, घुटनों पर बैठ जाओ, कर सकते हैं क्योंकि इस आसन करने से भोजन जल्दी पचता है और पाचन शक्ति तेज होती है। बिल्कुल राइट, ये आसन भोजन के बाद किया जाने वाला मात्र एक आसन है, दूसरे कोई आसन भोजन के बाद नहीं करें। जितने भी आसन क्रियाएं शरीर की होती है वो भूखे पेट ही करनी चाहिए, ठीक बात। अब इसके बाद में थोड़ा आप इसी ऐसे इसी पर बैठे हुए पीछे झुक जाओ और पीछे सो जाओ, इसी पर बैठे हुए जोर पड़ेगा थोड़ा, ये बिल्कुल सो जाओ और बीच में से